हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यमहा की तरफ से आने वाली बाइक यमहा MT125 क्या ये इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है या नहीं। इस वीडियो को देखने से पहले आपने इस टॉपिक पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख चुके होंगे जिसमें आपको लॉन्चिंग डेट तक बताया जा रहा होगा कि ये बाइक 2023 में कन्फर्म लॉन्च करेगी। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि क्या ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है या नहीं करने वाली है, या आपने अभी तक जो भी वीडियोस देखे हैं वो सारे फेक हैं। वैसे तो आपने इस टॉपिक पे 2021 से 2022 एंड अब 2023, मतलब इस टॉपिक पे लगातार 2 साल से वीडियो बन रहे हैं, लेकिन क्या वो वीडियो सही थे या नहीं। उसमें भी बताया जा रहा था कि भैया ये 2021 में लॉन्च करने वाले जून जुलाई के महीने में, फिर 22 में वही हाल, फिर भैया ये दिसंबर में लॉन्च कर जाएगी, जुलाई में लॉन्च करेगी, मार्च के अंदर लॉन्च करेगी। अब ये हो रहा है कि 2023 के अंदर भी ये बाइक को लॉन्च कराया जा रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है आपको पता चल जाएगा आगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइज कि ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च क्यों करेगी। तो सभी ब्रांड के पास अपना अपना एक 125cc सेगमेंट का बाइक है जो इंडियन मार्केट में अभी लॉन्च कर चुकी है, सभी ब्रांड के पास है। लेकिन यमहा के पास भी है एक बाइक जो इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करा दिया गया है, MT125 ही है जो इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करा दिया गया है, ठीक है। तो क्या ये बाइक इंडियन मार्केट में भी लॉन्च करेगी, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि ये इंडियन मार्केट में क्यों लॉन्च करने वाली है, यानी कि इसके पास अभी तक कोई भी ऐसा बाइक नहीं है 125cc के अंदर जो कि इंडियन मार्केट में अपना वैल्यू बना सके, ठीक है। MT15 का जो मार्केट वैल्यू है इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग उसको पसंद कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर वो MT125 को इंडियन मार्केट में लॉन्च करता है तो भाई सब कुछ तो सेम मिल रहा है, सिर्फ इंजन में ही ना कम है ये, मतलब इंजन पावर कम इसका मिल रहा है, बाकी आपको बॉडी ग्राफिक्स लगभग सेम देखने को मिल जाएंगे। यानी कि लुक्स वाइज अगर देखा जाए तो MT15 और MT125 में कोई डिफरेंट आपको कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ आपको इसमें बॉडी ग्राफिक्स चेंज देखने को मिल जाएंगे। एंड जो मेजर चेंजेस देखने को मिलेगा वो है कि इंजन में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, जैसे कि MT15 का जो इंजन मिलता था आपको मिलता था 155cc का, एंड MT125 का जो इंजन मिलने वाला है वो 124.7cc का इसमें आपको इंजन देखने को मिलेगा। तो भैया अगर अभी ये बाइक लॉन्च कर देती है MT15 के साथ साथ, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि उसके साथ अगर ये बाइक को लॉन्च कराया जाए तो उसका मार्केट वैल्यू है जो कम हो जाएगा, क्योंकि भाई हम लोग इंडियन हैं, हम लोग को लुक्स से मतलब है भैया कि हाँ स्पोर्टी देखने में लगना चाहिए, स्पोर्टी है और अच्छा खासा इसमें पावर भी आपको दे रहा है, 11.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे रहा है एंड 14.7 PS की पावर दे रहा है, तो एवरेज है भाई, अच्छा है एक स्पोर्टी बाइक के लिए, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो अगर ये बाइक अभी इंडियन मार्केट में लॉन्च करा देता है, मतलब MT15 पहले से ही इंडियन मार्केट में लॉन्च कर चुका है एंड ये अपना वैल्यू बना चुका है इंडियन मार्केट में, बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं, अगर इसके साथ साथ MT125 को अगर यमहा वालों ने लॉन्च करा देता है इंडिया में, तो कहीं ना कहीं उसका जो प्रभाव है वो MT15 पे पड़ेगा, उसका सेल्स डाउन हो सकता है। तो इतना बड़ा रिस्क अभी नहीं लेने वाला है यमहा, इस बात को आपको समझना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च करती है तो क्या इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे पहले बताया गया कि इसका जो इंजन में चेंजेस देखने को मिलेगा, जो 125cc का ये बाइक होने वाला है, तो 124.7cc का इसमें SOSC लिक्विड कूल इंजन देखने को मिल जाएगा, सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा। एंड इसका जो मैक्सिमम पावर देखने को मिलेगा 14.7 PS की पावर देखने को मिलेगी, एंड मैक्सिमम टॉर्क की बात किया जाए तो वो आपको देखने को मिलेगा 11.5 न्यूटन मीटर का। तो जो MT15 है उससे तो आपको ये कम मिल रहा है, लेकिन लुक्स आपको सेम MT15 वाला देखने को मिल जाएगा। अगर फ्रंट से बात किया जाए तो 2 DRL light LED देखने को मिल जाएगा, प्रोजेक्टर हेडलाइट LED देखने को मिलेगा। एंड अब ब्रेक की बात कर लेते हैं, तो ब्रेक में आपको वही सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा, एंड अभी भी सिंगल चैनल ABS देखने को मिल रहा है MT15 में भी, वही आपको सिंगल चैनल ABS इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस अगर यमहा MT125 में USD फॉग डालता है तो भाई इसका प्राइस तो काफ़ी हाई होने वाला है, और यमहा कभी नहीं चाहेगा कि उसका बाइक जो है कि ज़्यादा कॉस्टली हो जाए, जिससे कि कोई भी इसको अफोर्ड करने में एक बार सोचिए। 125cc होने के बाद भी अगर USD फॉग देता है तो भैया इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा।
और अभी तक आप कोई ऐसे भी यूट्यूबर होंगे जो बता रहे होंगे कि भैया इसमें USB पोर्ट मिलने वाली है, तो भैया वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं, वो आपको अंधकार में रख रहे हैं, ठीक है, आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो भैया इससे आप समझ लो कि आपको USB फॉग नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर USB फॉग दे देता है भाई तो MT-15 वर्जन 2 लॉन्च किया है क्यों USB फॉग के लिए? अगर देना ही होता भैया तो MT-15 में ही दे के USB फॉग को हटा देता, फिर उसको अगर MT-125 में भी USB फॉग डाल दे तो भैया MT-15 का जो वर्जन 1 है उसका तो L लग गया, मतलब उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा फिर इसके सामने, तो ये हो जाएगा। और इसका प्राइस भी काफ़ी आपको हाई देखने को मिल जाएगा, मतलब 1.5 लाख के अंदर कौन बाइक लेगा भाई 125cc के अंदर, तुम ही बताओ। बात कर लेते हैं इसकी लॉन्चिंग डेट की, तो अभी तक तो कोई फिक्स डेट नहीं आया है भैया कि ये बाइक कब लॉन्च करेगा। तो क्या करना है कि भैया जब तक ये इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आता ऑफिशियली, हम तो बताएंगे नहीं कि कब ये बाइक लॉन्च करने वाली है, आपको अंधकार में क्यों रखे हम। तो अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी इस वीडियो से आपका आँख खुल गया होगा, तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और ज़्यादा कुछ हमको चाहिए नहीं, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। और मिलते हैं गाइस जैसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।